जल वाष्प का संघनन, संघनन जो होती है, जल वाष्प का संघनन जो होती है, संघनन क्रिया होती है वाष्प उत्सर्जन की विपरीत क्रिया होती है। संघनन क्या होता है? वाष्प उत्सर्जन की विपरीत क्रिया होती है। क्या होगा? वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है, जल जो होता है वो द्रव रूप से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जल वाष्प, ये जल का संघनन जो है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जल वाष्प का, जल वाष्प का यानी कि जल वाष्प मतलब गैसीय अवस्था का, ठीक है, गैसीय अवस्था का, जल की बूंदों के रूप में, जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित होना, परिवर्तित होना क्या कहलाएगा, जल वाष्प का संघनन कहलाएगा। यानी कि संघनन में क्या होगा, जो जल वाष्प है वो ठंडी होकर के वापस क्या हो जाएगी, जल की बूंदों के रूप में अपने को दिखाई देगी, ठीक है, परिवर्तित हो जाएगी। जबकि वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है, संघनन का उल्टा होता है, विपरीत क्रिया होती है, जल जो है वो बूंदों से क्या हो जाता है, गर्म होकर के और गैसीय अवस्था में आ जाता है, यानी कि जल वाष्प के रूप में आ जाता है, ठीक है। अब जल वाष्प के स्वरूप देखते हैं, अपने जल वाष्प के स्वरूप, जल वाष्प संघनन के स्वरूप देखते हैं अपने, यानी कि ये हमें किन किन रूपों में दिखाई देता है, ठीक है। तो पहला है ओस, पहला है ओस। ओस क्या होता है, ओस कैसे बनती है, ओस जो है जब अपने रात्रि काल में धरातल के निकट का तापमान, कम हो जाता है क्या होगा, ओस में क्या होगा, धरातल के निकट का तापमान कम हो जाता है। अब कम होने पर क्या होगा, कम हो जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प जल की बूंदों के रूप में बदल जाती हैं, बूंदों के रूप में बदल जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। क्या होगा, ऐसी स्थिति जिसमें क्या होगा, रात्रि काल में विकिरण प्रभाव के कारण, क्या होगा, विकिरण प्रभाव के कारण क्या होता है, दिन में सूरज की किरणें जो होती हैं वो धरती को गर्म करती हैं, और रात में क्या होता है, वही विकिरणें जो, वो ताप जो है वो वापस वायुमंडल में चला जाता है। तो धरती जब ठंडी होती है, मृदा जब ठंडी होती है, तो उसके बिल्कुल टच में आने वाली जो वायु है उसमें जो जल है वो पहले से जो जल वाष्प के रूप में है वो बूंदों के रूप में बदल जाता है, और हमें जैसे फसलों के ऊपर छोटी छोटी पत्तियां हैं, घास है, उनके ऊपर हमें बूंदों के रूप में दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओस कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है कोहरा, जिसको अपने फॉग कहते हैं, कोहरा जो है वो क्या होता है, क्या होगा, ये जो यहां पर तो धरातल के निकट वाला था, लेकिन यहां पर कुछ ऊंचाई है ना, धरातल से कुछ ऊंचाई तक, ये ऊंचाई निश्चित नहीं है, धरातल से कुछ ऊंचाई तक की वायु जो है, वायु ठंडी होकर बर्फ कणों के रूप में
जम जाती हैं, यानी कि कोहरे के अंदर क्या होगा, हमारे धरातल से एक निश्चित ऊंचाई तक की वायु जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर के उसका तापमान इतना कम हो जाता है कि वो बर्फ के छोटे छोटे कणों में बदल जाती है, लेकिन पूरी तरह से नीचे नहीं बैठ पाती है, तो हमें वो कोहरे के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तीसरा पार्ट है धुंध। धुंध जो है वो कोहरे का ही एक रूप है। धुंध जो है कोहरे से कम घना होता है, कोहरे से जो कम घना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, दोनों की प्रक्रिया एक ही है, धुंध और कोहरे की एक ही प्रक्रिया है बनने की, दोनों ही क्या होंगे, वायु ठंडी होकर के बर्फ कणों के रूप में जम जाएगी। ठीक है, लेकिन कोहरा जो होता है वो ज्यादा घना होता है और धुंध जो होती है वो कम घनी होती है। ठीक है, इसके बाद में अपने देखेंगे धूम कोहरा। धूम कोहरा क्या होता है, जब कोहरे के साथ में धुआं मिक्स हो जाता है, धूम कोहरा क्या होता है, ठीक है, तो धूम कोहरा जो है वो कोहरे के साथ में धुएं का मिश्रण होता है। कोहरे के साथ में धुएं का मिश्रण क्या कहलाता है, धूम कोहरा कहलाता है। और पाला जो है, नेक्स्ट है पाला, जिसको अपने फ्रॉस्ट कहते हैं, पाला जो है वो क्या होता है, क्या होगा, यही विकिरण प्रभाव के कारण क्या होगा, भूमि या जमीन के पास, भूमि के पास की जल वाष्प जो है अत्यधिक ठंडी होकर बर्फ कणों में बदल जाती हैं और परत के रूप में दिखाई देती हैं, परत के रूप में दिखाई देती हैं, यानी जब भूमि के पास की जल वाष्प इतनी ठंडी हो जाए कि वो बर्फ में बदल जाए और एक परत के रूप में, चद्दर के रूप में धरती को ढक ले, तो हम उसको पाला कहते हैं। फसलों के लिहाज से अगर हम देखें तो पाला जो है सबसे हानिकारक माना गया है, तो पाले की हानियां जो है वो हम पढ़ेंगे कि पाला जो है उससे फसलों को कौन कौन सी हानियां होती हैं और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो हानि अगर हम देखें कैसे हानि करेगा पाला जो है, हानि कैसे करेगा, तो पाले में क्या होगा, जो पौधे की जो कोशिकाएं हैं कोशिकाओं का जल है जम जाता है। अब जमने से क्या होता है, जब पानी की बर्फ बनती है तो हमेशा क्या होगा, आयतन में वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि कोशिका के अंदर जो जल है वो भी जम जाएगा और उसके आयतन में वृद्धि होगी, तो कोशिका फट करके क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, पाले से बचाव देखते हैं अपने कि कैसे किया जा सकता है, पाले से बचाव के उपाय। तो पाला जो है सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, इसलिए इसका बचाव करना भी जरूरी होता है। पाले से बचाव कैसे करेंगे, तो पाले से बचाव की बात करते हैं अपने, पाले से बचाव करना है अपनी को, तो क्या क्या विधियां काम में ले सकते हैं। सबसे पहली विधि तो है जो छोटे पौधों के लिए है, पौधों को पॉलीथीन से ढक देती हैं। ये विधि जो है वहां पर काम में ली जाती है जहां पर छोटे क्षेत्र में बहुत कीमती पौधे उगाए जाते हैं, जैसे अपने छोटे से एरिया के अंदर जो अपनी पौधशाला जो है उसमें अपने ढक सकते हैं। दूसरा जो है धुआं करके, जो बड़ा क्षेत्र है हमारा, बड़ा क्षेत्र जो है उसमें क्या करेंगे, हम उत्तर दिशा की तरफ क्या करेंगे, उत्तर दिशा की तरफ
ऐसी चीजें जो हैं जलाएंगे जिसे धुआं हो, वो धुआं क्या करेगा, रात्रि में हमारी फसल के ऊपर फैल जाएगा और एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करेगा, फसल को जो है कम तापमान से बचाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हमारे पास में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो हम सिंचाई कर देंगे। ठीक है, सिंचाई करने से क्या होगा, सिंचाई करेंगे तो भूमि का तापमान जो है वो बढ़ जाता है, उस तापमान बढ़ने के कारण क्या होगा, भूमि के ऊपर बर्फ की जो चादर है वो नहीं जमेगी, सिंचाई करने का ये फायदा होता है। फिर आता है अपने पास में गंधक का अमल, यानी कि H2SO4 का छिड़काव करना है, H2SO4 का छिड़काव करना है 0.5% का अपने क्या कर देंगे, जो है H2SO4 का छिड़काव कर देंगे। सॉरी, ये जो है 0.1% जो है H2SO4 का छिड़काव कर देते हैं। बहुत सारी और भी विधियां हैं, जैसे अपने छाया कर देंगे, टाट जो है उत्तर दिशा की तरफ अपने क्या कर देना है, टाट लगा देंगे। ठीक है, कुछ कीमती पौधे होते हैं या फिर जो सब्जियां होती हैं उत्तर दिशा में टाट लगाकर, ठीक है, तो जो सब्जियां वही हैं उसके उत्तर दिशा की तरफ अपने क्या करेंगे, जो अपना कांस वगैरह होती है उसकी टाट बना करके वो लगा सकते हैं, खजूर के पौधे की टाट बना करके लगा सकते हैं, जिससे कि वायु रुक जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो पाले से बचाव के उपाय हैं, मेघ या बादल, मेघ या बादल। हम जल वाष्प के संघनन के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब जल वाष्प का संघनन होता है तो जल बूंदों के रूप में प्राप्त होता है, तो धरातल से विभिन्न ऊंचाई पर अगर हम मेघ या बादल की बात करें तो धरातल से विभिन्न ऊंचाइयों पर, विभिन्न ऊंचाइयों पर जल वाष्प के संघनन के फलस्वरूप बनी जल कणों या हिम कणों के समूह को बादल कहते हैं, बादल कहते हैं। देखो, बादल या मेघ किसको कहेंगे, धरातल से अलग अलग ऊंचाई पर जल वाष्प का जब संघनन होता है तो इससे क्या बनते हैं, जल कण बनते हैं या हिम कण बनते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हम कोहरा और ये जो है ओस वगैरह पढ़ी थी तब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यही जब बहुत ऊंचे होते हैं और एक समूह के रूप में होते हैं तो हम इनको बादल या मेघ कहते हैं। ठीक है, ये बादल या मेघ जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है पक्षमाक में। ठीक है, सबसे पहला आता है पक्षमाक में। ये क्या होते हैं, ये अधिक ऊंचाई पर होते हैं, अधिक ऊंचाई पर होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं एक तो। दूसरा, इनका रंग क्या होगा, इनका रंग होगा सफेद, सफेद रंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हिम कणों से मिलकर बनते हैं, हिम कणों से निर्मित होते हैं। क्या होते हैं, हिम कणों से निर्मित होते हैं। पक्षमाक में किसको कहेंगे, वो में जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है, श्वेत रंग के दिखाई देते हैं और हिम कणों से निर्मित होते हैं। ये वर्षा तो नहीं करते हैं, ये वर्षा नहीं करते, वर्षा नहीं करते हैं, परंतु अगर यही पक्षमा में थोड़े से डाउन आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो ये कपासी कुंज में बदल जाएंगे, कपासी मेघ में बदल जाएंगे, तो फिर ये वर्षा करेंगे।
ठीक है। तो दूसरा जो प्रकार है इसका वो है कपासी या पुंज मेघ। ये क्या होते हैं, ये मध्यम ऊंचाई पर होते हैं। ये क्या होंगे, ये होंगे मध्यम ऊंचाई पर और इनका रंग क्या होगा, काला व चमकीला होगा, काला व चमकीला होगा। और निर्मित किससे होते हैं, ये होते हैं जल कणों से निर्मित। जल कणों से क्या होते हैं, ये निर्मित होते हैं। और अगर लंबे समय तक बने रहते हैं ये, तो फिर बारिश भी करते हैं। तेज बारिश जो होती हैं वो किस कारण से होती हैं, कपासी पुंज के कारण से होती है। तीसरे प्रकार के होते हैं सत्री मेघ। सत्री मेघ ये क्या होते हैं, सबसे कम ऊंचाई पर होते हैं, सबसे कम ऊंचाई पर होते हैं। इस कारण से क्या होते हैं, ये जो है दो जल धाराओं गर्म और ठंडी, दो जल धाराओं कौन कौन सी, गर्म व ठंडी के मिलने से बनते हैं, के मिलने से बनते हैं और हल्की बारिश करते हैं। जो जिसको अपने फुहार कहते हैं या हल्की बारिश होती है, हल्की जो बारिश होती है वो बारिश कौन करेगी, सत्री मेघ होंगे। तो मेघ या बादल जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पश्चिमाभ जो सबसे ऊंचे पाए जाते हैं, ठीक है। इनका दूसरा नाम भी है तीतर पंखी मेघ, इन्हीं को क्या कहते हैं, उपनाम इनका, अन्य नाम इनका क्या है, तीतर पंखी हैं। ये कपासी हैं क्योंकि इनका रंग ये कपास के ढेर के जैसे होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कपासी। लेकिन इनका रंग काला चमकीला होगा, ना कि सफेद होगा। सफेद किसका होगा, पक्षमाभ का होगा। सफेद क्यों होगा, क्योंकि ये हिम कणों से बने होते हैं। सत्री मेघ जो अपने आमतौर पर जो बादल वाली छाई रहती है वो होती है जो दो जल धाराओं, गर्म और ठंडी जल धारा जब आपस में मिलती है तो उससे जो बादल बनेंगे उनसे क्या होगा, हल्की बारिश होगी, यानी कि जिसको अपने फुहार कहते हैं। जैसे सावन के अंदर जो बार बार थोड़े थोड़े टाइम में जो बारिश होती रहती है, वो वाली बारिश जो होती है वो सत्री मेघ से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने देखेंगे कि इनका बादलों का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फसलों पर प्रभाव अगर हम देखें तो बादल फसलों के लिए अच्छे भी होते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक रहेंगे तो ये नुकसान भी करती है। दोनों ही चीजें हैं, अगर बारिश कर रही है तो ये फायदेमंद है, नहीं तो नुकसानदायक भी होती है। मेघ या बादल जो है क्या करेंगे, अगर अधिक समय तक अगर बादल रहते हैं तो प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव ये पड़ेगा कि जो कीट हैं, रस चूसक कीट होते हैं, उनका प्रकोप बढ़ जाएगा। दूसरा, जो कवक जनित बीमारियां होती हैं वो भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएंगी। कवक जनित बीमारियां जो हैं वो बादलों के प्रकोप से, बादल ज्यादा छाए रहने से कवक जनित बीमारियां भी हो जाती हैं। इसके अलावा क्या होगा, जो प्रकाश संश्लेषण है वो धीमा पड़ जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, तो भोजन बनाने की प्रक्रिया रुक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखेंगे वर्षण का मतलब है वर्षा तो होती है, इसके अलावा जल जिस रूप में भूमि पर पहुंचता है वो सारे क्या कहलाते हैं, वर्षण कहलाते हैं, ठीक है। क्या होगा, वर्षण का मतलब है
वर्षण में ओस भी आ जाती है प्लस हिमपात भी आ जाता है प्लस वर्षा भी आ जाती है, सारी वो सारी चीजें जिनसे जल जो है वो बूंदों के रूप में भूमि पर या धरातल पर पहुंचता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं। ठीक है, तो हिमपात का मतलब है ओलावृष्टि, ओस का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि ओस जो है छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो है धरातल पर पहुंचती है और वर्षा होती है। ठीक है, तो वर्षा के कई प्रकार है। वर्षा के प्रकार की अगर हम बात करें तो एक आता है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि क्या होता है, आवश्यकता से अधिक वर्षा, आवश्यकता से अधिक वर्षा क्या कहलाती है, आवश्यकता से अधिक वर्षा क्या कहलाती है, अतिवृष्टि कहलाती है। इसी प्रकार से अनावृष्टि का मतलब होता है आवश्यकता से कम वर्षा, मौसम और जलवायु के वे तत्व वे कारक जो फसलों को प्रभावित करते हैं उनका अध्ययन हम कर रहे थे। उनमें से आगे जो है आता है वर्षण। वर्षण का मतलब है किसी भी रूप में जल वाष्प का संघनन होकर के भूमि पर या धरातल पर पहुंचना क्या कहलाता है, वर्षण कहलाता है। जिसमें ओस भी आता है, जिसमें हिमपात भी आ जाते हैं और उसमें वर्षा भी आ जाती है। ठीक है, तो वर्षा का मतलब क्या है, जल वाष्प का संघनन होकर के जल का बूंदों के रूप में धरातल पर पहुंचना। हिमपात का मतलब है जल का बर्फ के कणों के रूप में धरातल पर पहुंचना। ओस का मतलब है जल जो है छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल के ऊपर जमा हो जाना। ठीक है, तो अपने वर्षा देख रहे हैं, वर्षा के कुछ प्रकार हैं जैसे जैसे अतिवृष्टि है। अतिवृष्टि का मतलब है जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा वर्षा होना, जरूरत से या आवश्यकता से अधिक वर्षा जो होगी, अधिक वर्षा जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, अतिवृष्टि कहेंगे। अब अतिवृष्टि के प्रभाव क्या होंगे, फसल पर क्या प्रभाव पड़ेंगे अतिवृष्टि के, तो सिंपल है कि जब आवश्यकता से ज्यादा वर्षा हो रही है तो खेत में पानी भर जाएगा। पानी भर जाएगा तो क्या होगा, एक तो जल निकास की समस्या हो जाएगी, दूसरा भूमि के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो पौधे जो है जड़ों से जो है श्वसन क्रिया नहीं कर पाएंगे, तीसरा अधिक जल होने के कारण जो पोषक तत्व है वो नीचे चले जाएंगे,
इसी प्रकार से अनावृष्टि, अनावृष्टि में क्या होता है, कम वर्षा होना, कम वर्षा होना, यानी जितनी वर्षा की हमें जरूरत है उससे बहुत कम वर्षा होना क्या कहलाता है, अनावृष्टि कहलाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में होता है कि फसलें जो हैं या तो हमें उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी या फिर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, पौधा जो है एक तो जल की कमी को प्रदर्शित करेगा, भूमि से पोषक तत्व नहीं ले पाएगा, ऐसी स्थिति में पौधा क्या हो जाता है, मर जाता है, यानी कि विल्टिंग पॉइंट आ जाता है, मुरझा जाता है और आखिर में हमारी फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, बचाव का उपाय यही है कि अपने सिंचाई करनी है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है अनावृष्टि का। और अतिवृष्टि में अपने क्या निर्धारण करना है कि हमें आवश्यकता से ज्यादा जितना भी जल है उसको अपने क्या कर देना है, खेत से बाहर निकाल देना है। ठीक है, अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, ओलावृष्टि जो है, ओलावृष्टि यानी हिमपात, ओलावृष्टि जो है क्या होगा, जल का बर्फ कणों के रूप में धरातल पर गिरना ये क्या कहलाता है, ओलावृष्टि कहलाता है। इसका कोई इलाज नहीं है, अगर ओलावृष्टि होगी तो हम एक छोटे से क्षेत्र में जो है अपनी फसल को बचा सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा क्षेत्र है तो हम ओलावृष्टि से अपनी फसल को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी तकनीक नहीं है जिसमें अपने एक लंबे चौड़े एरिए को ढक करके रख सकें या ओलों से अपनी बचा सकें। ठीक है, तो इसका कोई बचाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़े बहुत बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्षण के कुछ रूप थे जिनको अपने जो है ध्यान में रखना है और ये जो है किसको कहते हैं और इससे बचाव कैसे कर सकती हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया। नेक्स्ट आता है अपना वायु। वायु क्या होती है, जलवायु जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, यहां पर जल और वायु है ना। तो वायु जो है वो अपने को अपने देखते हैं कि क्या होता है, जब दो जगहों पर वायुदाब में अंतर होता है तो जहां पर वायुदाब अधिक होता है वहां से कम वायुदाब की ओर हवा बहने लगती है, इसको हम पवन भी कहते हैं। तो क्या होगा, अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ हवा का बहना वायु कहलाता है, या इसको हम पवन भी कह देते हैं। ये जो वायु जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि ऋतु के अनुसार हमारे यहाँ पर पवनों की दिशा भी बदल जाती है, और पवनों की दिशा बदलती है तो हमारे यहाँ पर मानसून भी आता है, इसके अलावा जो फसलें हैं वो पकने में भी ये पवनों की जो दिशा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक उदाहरण के द्वारा अपने समझते हैं, जैसे कि मान लो जिसको अपने पूर्वी हवा जो कहते हैं उससे क्या होता है, नमी ज्यादा होती है उसमें, पूर्वी हवा में क्या होती है, नमी अधिक होती है। इस अधिक नमी के कारण रोग व कीटों का प्रकोप जो है, रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। क्या होगा, जिनको अपने पुरवाई कहते हैं, पुरवाई हवा कहते हैं, वो जब चलती हैं तो नमी अधिक हो जाती है वातावरण में और रोग और कीट जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से पश्चिमी हवा जो चलती है वो क्या होती है, वो गर्म होती है और शुष्क भी होती है, गर्म और शुष्क दोनों होती है। ज्यादा गर्म होने पर हम उसको लू कह देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो रबी की जो फसलें होती हैं वो पकने में सहायता करती हैं। जैसे अपने गेहूं है,
जो हैं है ना, वो जब उनके पकने का समय जब आता है तब हमारे यहाँ पर पश्चिमी हवा चलती है जिनको अपने लू कहते हैं, शुष्क होती है, गर्म होती है, इसलिए क्या करती है फसल में से नमी को कम कर देती है। लेकिन कई बार अगर ये समय से पहले चल जाए जब तक हमारी गेहूं की फसल पकी हुई नहीं हो तो उसको नुकसान भी कर देती है, ठीक है। इसी प्रकार से मानसूनी हवाएं भी होती हैं, मानसूनी हवाएं भी होती हैं। मानसूनी हवाएं क्या है, अपने यहां पर जून से लेकर के सितंबर तक, जून से सितंबर तक क्या होता है, हवा जो है वो समुद्र से क्या होती है, समुद्र से तल की ओर बहती है, तल की ओर बहती है, और ये हवाएं जो हैं बिल्कुल नमी युक्त होती हैं। ये हवाएं क्या करती हैं, पानी को बादलों के रूप में लाती हैं और फिर वर्षा होती है अपने यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जो हैं, जो हवा जो है उसके कई प्रकार हैं, और वो हवा हमारी जो खेती है, फसल है, उसके लिए लाभदायक भी होती है लेकिन कभी कभी हानिकारक भी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो हवा है उसमें अपने देखेंगे कि अगर पश्चिमी हवा है, गर्म लू चल रही है, अगर अपने पास में कुछ ऐसे कीमती पौधे हैं या सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं तो हमें पश्चिम की ओर क्या कर देना है, टाट लगा करके या कुछ ऐसी चीज जिसे वो हवा रुक जाए अपने को कर लेना है। इसी प्रकार से सर्दियों के अंदर भी जो चलती है हवा है ना, जिसको अपने क्या कहते हैं, सर्दियों में चलने वाली हवा जो ठंडी हवा है, उत्तराती हवा जो होती है उत्तर दिशा की ओर बहती है, उस वो बर्फीली हवाएं होती हैं, ठीक है। ये उत्तर दिशा से आती हैं, तो उत्तर दिशा से आने वाली हवाओं को रोकने के लिए क्या करना है, अपने को उत्तर दिशा की तरफ क्या कर देना है, ओट कर देनी है या फसलों में ऐसी चीजें लगा देनी है कि वो डायरेक्ट उस हवा के संपर्क में ना आए। क्यों नहीं, क्योंकि ये बहुत ठंडी हवाएं होती हैं, तापमान को तेजी से गिराती हैं, इसीलिए अपने को इससे भी बचाव करके रखना है, ठीक है। तो ये अपना जो हो गया हवा का चैप्टर जो है वो हो गया। मौसम विज्ञान के उपकरणों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला उपकरण है तापमापी। तापमापी क्या होता है, जो किसी वस्तु के गर्म यानी कि गर्म और ठंडे होने का जो जिस चीज को हम नापते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तापमापी कहते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु की शीतलता व गर्माहट को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तापमापी कहलाता है, ठीक है। और ये तापमापी जो है वो अपने यहां पर तीन प्रकार के हैं। पहला है अधिकतम तापमापी, अधिकतम तापमापी, ठीक है। अधिकतम तापमापी जो होता है, जैसा कि नाम से ही पता है कि ये अधिकतम तापमान को मापेगा। तो इसमें जो चीजें अपने को ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि एक तो इसमें क्या भरा रहता है, पारा भरा रहता है, ठीक है। एक चीज अपने को ध्यान रखनी है क्या, कि पारा भरा रहता है। ये क्या होता है, एक इस प्रकार से एक तरफ की नली जो बंद रहती है और यहाँ पर ऐसे कुंडी पाई जाती है और इधर जो है इस पर अंकित होते हैं, अंक लिखे होते हैं, ठीक है। और बीच में बिल्कुल एक केस नुमा आकृति होती है जिसमें क्या भरा रहता है, जिसमें क्या भरा रहता है, पारा भरा रहता है, ठीक है। और ये घुंडी होती है, यहाँ पर घुंडी क्या करती है, इसके नीचे जो है एक असंकित ये टाइप की होती है, तो जैसे पारा ऊपर जाता है तो वो वहीं पर रुक जाता है और अधिकतम तापमान हमें ज्ञात हो जाता है। तो एक बार इसको सेट करने के बाद में पारा जितना ऊपर चढ़ेगा, गर्म होने पर पारे का क्या होगा, आयतन, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो पारा इस नली में क्या हो जाएगा, इस नली में ऊपर की ओर जाएगा और जितना फैल सकता है उतना फैल करके वहां पर रुक जाएगा। रुकने पर हम उसका क्या कर लेंगे, उसका तापमान जो है वो अंकित कर लेते हैं, ठीक है। अब जो जो यहाँ पर मौसम विज्ञान में जो उच्चतम तापमापी काम आता है उस पर जो है -35 से लेकर के और +50-55 तक अंक अंकित होते हैं। -35 से +55 तक
अंकित रहती है, ठीक है। ये अंकित रहने से क्या होगा, अपने को इसके बारे में उच्चतम और न्यूनतम जो है इसमें अधिकतम तापमान जो है अपने को पता चल जाएगा, और इस अधिकतम तापमापी को हम उच्चतम तापमापी भी कहते हैं। इसका जो है कभी भी रीडिंग ली जा सकती है, क्योंकि इसमें कभी भी पारा जो है वापस नहीं आता, ठीक है। दूसरा जो है अपने पास में है वो निम्नतम या न्यूनतम तापमापी है, या न्यूनतम तापमापी है। इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें पारा भरा रहता है, इसमें एल्कोहल भरा रहता है, इसमें एल्कोहल भरा रहता है। दूसरा, इस पर जो अंकित होते हैं वो -40 से लेकर के और +50 तक अंक लिखे होते हैं। इसी की तरह पारा भी क्या है, ये जो एल्कोहल है वो क्या करेगा, जैसे ही तापमान कम होगा तो एल्कोहल क्या होता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के कारण क्या होगा, ये जो है एल्कोहल जो है इसके आगे एक संकेतक लगा होता है नीले रंग का, वो नीचे गिर जाएगा और फिर वापस जब उसका आयतन बढ़ेगा तो वो साथ साथ में ऊपर नहीं जाएगा, तो एक जगह रुक जाएगा, अपने को उसको फिर से सेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका भी तापमान जो है वो कभी भी रीडिंग इसकी ली जा सकती है। तो अधिकतम की रीडिंग कभी भी ली जा सकती है और न्यूनतम की रीडिंग भी कभी भी ली जा सकती है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि न्यूनतम तापमान हमारे जो एक दिन का जो साइकिल है उसमें न्यूनतम तापमान कब होता है, तो न्यूनतम तापमान जो है लगभग सूर्य उदय से जस्ट पहले जो है न्यूनतम तापमान होता है। जबकि अधिकतम तापमान का अगर पूछ लिया जाए तो ये लगभग होता है 2 बजे के आसपास, दोपहर को 2 बजे तापमान जो है वो अधिकतम रहता है अपना, ठीक है। लेकिन अगर सौर विकिरण का पूछ लिया जाए तो वो 12 बजे होती है, ठीक है। ये 2-3 चीजें आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब अपने देखेंगे एक और प्रकार का तापमापी होता है जो प्रयोगशालाओं में आजकल ज्यादातर काम में लिया जाता है, वो लिया जाता है शुष्क और आर्द्र बल्ब तापमापी। तीसरा प्रकार का जो है वो है शुष्क और आर्द्र बल्ब तापमापी, ये एक साथ भी आता है अलग अलग भी आता है। जो शुष्क वाला होता है उसमें क्या होता है कि जो है आर्द्र बल्ब में तो क्या होता है, एक सिरे पर जो मलमल का कपड़ा लगा होता है वो गीला रहता है तो वो वातावरण की आर्द्रता का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जबकि शुष्क वाले में वो नहीं लगा होता है, तो दोनों में अंतर है थोड़ा। ये वातावरण भी क्या करता है, ये पूर्ण संतृप्त अवस्था को दर्शाता है, ये वातावरण की आर्द्रता पर काम करता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं इसके अंदर जो प्रमुख चीज है अपने देखने वाली है वो ये है कि हम इसे आर्द्रता भी नाप सकते हैं, इसे हम औसांक बिंदु भी नाप सकते हैं, औसांक बिंदु भी नाप सकते हैं, और जल वाष्प दाब भी नाप सकते हैं, जल वाष्प दाब को भी नापा जाता है। यानी कि ये एक साथ कई कार्य करता है, आर्द्रता नाप सकते हैं, औसांक बिंदु, जल वाष्प दाब को भी नापा जा सकता है, ठीक है। अब अपने देखते हैं इसमें चौथा जो प्रकार है, इसमें जो स्टीवेंसन स्क्रीन होती है उसको हम देखते हैं, क्योंकि ये सारे उपकरण जो है वो स्टीवेंसन स्क्रीन में ही लगे होते हैं, स्टीवेंसन स्क्रीन में ही लगे होते हैं। स्टीवेंसन स्क्रीन क्या होता है, लकड़ी का बक्सा होता है। अब इस बक्से में ये सारे उपकरण लगाए जाएंगे, तो कहाँ कहाँ पर कौन सा उपकरण लगेगा, इसका मुंह जो है हमेशा क्या रहेगा, उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। स्टीवेंसन स्क्रीन का मुंह हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। इसके ऊपर रंग जो होगा वो सफेद रंग किया जाएगा इसके ऊपर। अब हमें इसके अंदर ये लगाने हैं सारे, तो सबसे ऊपर की तरफ क्षैतिज अवस्था में, ठीक है, क्षैतिज अवस्था में अधिकतम लगाएंगे, अपने अधिकतम तापमापी लगाएंगे किसमें, स्टीवेंसन स्क्रीन के अंदर, ठीक है। और नीचे की तरफ की बात करें अगर अपने ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज जो है क्षैतिज में ही नीचे की तरफ जो है क्या लगाएंगे, अधिकतम के नीचे जो है वो न्यूनतम तापमापी लगाएंगे, न्यूनतम तापमापी लगा देंगे, ठीक है। ये तो हो गए ऊपर और नीचे, इसके दोनों तरफ जो है
ये तो दोनों लगा दिए ऐसे ऐसे लगा दिए ऐसे तिरछे, ठीक है, यहां पर क्या हो गया क्षैतिज अवस्था होगी। लेकिन इसके दाईं ओर अपने क्या करेंगे, इसके दाईं ओर ऐसे खड़ी अवस्था में अपने को क्या करना है, खड़ी अवस्था में अपने को क्या करना है, ये वाला जो है आदर जो है आदर जो है आदर बल्ब तापमापी जो है वो लगाना है किस तरफ, इस तरफ, ठीक है, राइट साइड में। और यहां पर हमने स्टीवेंसन स्क्रीन में क्या लगा देना है, शुष्क बल्ब तापमापी लगा देना है, शुष्क बल्ब तापमापी, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, ये वर्टिकल होंगे, ये हॉरिजॉन्टल रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम तीनों जो है तापमापियों को या चारों तापमापियों को अलग अलग करके इस स्टीवेंसन स्क्रीन में लगा देते हैं, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। मौसम से संबंधित उपकरणों में आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है वर्षा मापी। वर्षा मापी सीधा सीधा लिखा, इसको हमने रेन गेज भी कहती है, रेन गेज कहती है, ठीक है। एक निश्चित समय में जितनी वर्षा हुई है उसको मापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्षा मापी, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है शब्द चालित और एक जो अपने जो काम में लेते हैं वर्षा मापी, सिंपल वाला होता है उसको भी काम में लिया जाता है। तो क्या होता है एक्चुअल में, इसमें क्या होता है, एक है खोखला सिलेंडर होता है, खोखला सिलेंडर होता है, ठीक है। इस सिलेंडर के ऊपर जो है खोखला सिलेंडर, ठीक है, इसके ऊपर क्या रखा जाता है, एक कीप रखी जाती है, ठीक है, क्या रखा जाता है, कीप रखी जाती है। किस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से एक खोखला सिलेंडर होगा, इस सिलेंडर के ऊपर इस प्रकार से एक कीप रखी जाती है, ठीक है। इस कीप के नीचे जो है यहां पर एक बोतल रखी जाती है, ऐसे ऐसे बोतल रखी जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, रिसीवर बोतल कहती है, ठीक है, रिसीवर बोतल है, ठीक है। तो यहां पर कुल मिलाकर के ये जो रेन गेज होता है ये तीन प्रमुख चीजों से मिलकर बनता है, एक बाहरी भाग जिसको खोखला सिलेंडर कहेंगे, एक कीप लगी होती है और एक रिसीवर बोतल लगी होती है, ठीक है। तो यहां पर जो कीप का जो जो एरिया होता है इसका जो वो इस सिलेंडर के बिल्कुल बराबर रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही बारिश होती है, जैसे ही बारिश होती है तो ये जो जल की बूंदे हैं ये यहाँ पर एकत्रित हो जाती है, किसमें, इस रिसीवर बोतल में एकत्रित हो जाती है। इस बोतल में एकत्रित होने के बाद में हम क्या करेंगे, एक असंख्यित नपना गिलास जो होता है उससे हम क्या कर लेते हैं, इसको नाप लेते हैं। इस बोतल में जितना पानी भरा उसको हम क्या करेंगे, एक इस प्रकार से एक सिलेंडर होगा, इस प्रकार से असंख्यित टाइप का होगा, इस पर कुछ नंबर अंकित होते हैं। इस बोतल में जो पानी होगा इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, डाल लेंगे और जितना जितनी रीडिंग आएगी वो लिख लेंगे, ठीक है। फिर अपने यहाँ पर क्या करेंगे, एक सूत्र की सहायता से हम वर्षा की मात्रा को नाप सकते हैं। वर्षा की जो मात्रा है इसको अगर हमें सेंटीमीटर में नापना है तो फिर हम क्या करेंगे, एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्या सूत्र क्या होगा, वर्षा जल की मात्रा जो है ml में लेंगे हम, और उसमें जो है जो कीप का जो एरिया है क्षेत्रफल है, कीप का क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर में, उसका भाग दे देंगे। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो वर्षा जल की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो इसका आंसर आता है, मान लो 27 या 20 जितना भी आएगा, ठीक है, तो 20 आता है, इसका मतलब है कि ये 20 सेंटीमीटर क्या हो गई, वर्षा हो गई है एक दिन के अंदर। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो किसी भूमि के अंदर, जमीन के अंदर पानी सोख भी नहीं रहा है, पानी उड़ भी नहीं रहा है, जितना पानी बरसा है उतना इकट्ठा हो रहा है, तो वो इतना 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक आएगा, ठीक है, ये इसका मतलब हो जाता है, ठीक है। तो ये वर्षा मापी जो है ये क्या काम आएगा,
ये वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को नापने के लिए काम में आता है। ठीक है, अब जो है अपना जो लेटेस्ट जो वर्षा मापी आने लगे हैं वो ऑटोमेटिक आने लगे हैं। उसमें क्या होता है, सारा कुछ जो है अपने आप ही हो जाता है और एक ग्राफ अंकित हो जाता है कि किस समय पर कितनी वर्षा हुई, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वचालित वर्षा मापी कहते हैं, जो अपने आप की रीडिंग लेता है और ग्राफ पर अंकित करता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना वर्षा मापी। नेक्स्ट उपकरण अपने देखेंगे मौसम से संबंधित उपकरणों में, अगला उपकरण है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ये हाइग्रोमीटर क्या करता है, वायुमंडल की आर्द्रता को नापता है। वायुमंडल की आर्द्रता को नापने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। ये गोलाकार घड़ी जैसा उपकरण होता है जिसमें क्या होता है कि मानव बाल को संवेदी तत्व के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, मानव बाल का इस्तेमाल किया जाता है किसकी किसको नापने के लिए, आर्द्रता को नापने के लिए। लेकिन ये सीधा जो है इसको नहीं नापा जाता है, एक तो हाइग्रोमीटर सारणी, इसमें क्या काम में ली जाती है, हाइग्रोमीटर सारणी काम में ली जाती है। ठीक है, इस सारणी से मिलान करके और फिर जो है क्या किया जाता है, हाइग्रोमीटर सारणी के साथ में वायुदाब सारणी का मिलान करके और फिर जो है वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो निकाली जाती है। ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार के उपकरण काम में लिए जाते हैं। अगर हाइग्रोमीटर काम में ले रहे हैं इसका मतलब है कि हमें जो है अपने आप गणना कर करके और फिर जो है अपने को इसकी आर्द्रता ज्ञात करनी है। लेकिन एक उपकरण है हाइग्रोग्राफ, हाइग्रोग्राफ ये क्या करता है, ये सतत अंकन करता है, सतत अंकन करता है और ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। ग्राफ के रूप में प्रदर्शन करना है सतत अंकन किसका, आर्द्रता का। अगर सतत अंकन करना है और उसको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना है तो हमें हाइग्रोग्राफ उपकरण का उपयोग करना है। और अगर हमें एक पर्टिकुलर टाइम में सिर्फ जो है वायुमंडल की आर्द्रता ज्ञात करनी है तो हमें हाइग्रोमीटर उपकरण का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद में अपने नेक्स्ट उपकरण पर चलते हैं, नेक्स्ट उपकरण है वायु दिशा सूचक यंत्र। वायु दिशा सूचक यंत्र, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वायु किस ओर से आ रही है उसकी दिशा को बताने वाला यंत्र क्या है, वायु दिशा सूचक यंत्र है। ठीक है, इस यंत्र में होता क्या है, असल में एक पहले बेस बनाया जाता है दो पार्ट में 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, एक धुरी लगी होगी इस प्रकार से, इसको इसकी ऊंचाई जो है 305 सेंटीमीटर या फिर 3.05 मीटर रखी जाती है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर इसके घूमने वाले यंत्र होगा और यहां पर इसके ऊपर जो है क्या लगाया जाएगा, ऐसे एक तीर का निशान लगाया जाएगा जो ये बताएगा कि हवा किस ओर से आ रही है। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो इसकी ऊंचाई हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ये 3.05 मीटर रखी जाती है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है ये 75 सेंटीमीटर का रखा जाता है। ये वाला पार्ट जो है इसको, ये हल्का होता है, इसको अपने पंख कहते हैं, और ये वाला पार्ट क्या होता है, भारी होता है और ये स्वतंत्र रूप से घूमने वाला होता है। ठीक है, बेयरिंग जिसमें लगे होते हैं तो ये क्या करता है, अपने आप ही घूमता है यहाँ से। ठीक है, तो क्या होगा, जिस ओर से हवा आएगी ये भारी होने के कारण उस ओर ही हो जाता है। तो तीर का निशान हवा की दिशा बताता है, इसीलिए इसको वायु
दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, ठीक है, वायु को दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है कि इसके ऊपर निशान जो है लगे होते हैं, यहाँ पर मान लो ऐसे ऐसे जो है चार निशान लगे हैं, नॉर्थ है, इसके सामने साउथ है, इसके ईस्ट है और इसके वेस्ट है, ठीक है। तो जिस ओर से हवा आ रही है उसी ओर ये तीर का निशान है हो जाएगा, ठीक है। इसको अपने क्या कहते हैं, वायु दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना वायु वेग मापी, वायु वेग मापी यंत्र, ठीक है। इसको अपने एनीमोमीटर भी कहते हैं, एनीमोमीटर। इसकी खोज रॉबिन्सन ने की थी, है ना, तो रॉबिन्सन ने की थी तो इसलिए इसको रॉबिन्सन एनीमोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्या करेगा ये, वायु का वेग नापेगा। इसका कार्य क्या है, वायु की गति का मापन, कार्य क्या रहेगा इसका, वायु की गति का मापन रहेगा, ठीक है। इसमें इसकी संरचना कैसी होगी, इस पर चार चार जो है अर्ध गोले जैसी क्या लगी होंगी, अर्ध गोले जैसी आकृति लगी रहती है। तो नीचे से बेस जो है उसका बिल्कुल वही रहेगा जैसा कि अपने उसमें देखा था, ये 60 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर एक दूरी लगी होगी, इस दूरी की ऊंचाई जो है वो 300 सेंटीमीटर या 3 मीटर तक रखी जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक जो है ऐसे गणना के लिए यंत्र लगा रहेगा जिसमें क्या होगा, इसकी रीडिंग आएगी और जस्ट इसके जो ऊपर रहेगा वो क्या रहेगा, इस प्रकार से क्या रहेंगे, इस प्रकार से चार जो है अर्धगोलाकार जो है कोने टाइप में लगी होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जब घूमेगा तो यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी कि हवा की गति कितनी है। ये स्वतंत्र रूप से घूमने वाला होता है क्योंकि इसके अंदर क्या लगा रहता है, बेरिंग लगा रहता है, तो बेरिंग के कारण ये स्वतंत्र रूप से घूमेगा, ठीक है। जो जो चीजें याद रखनी है वो इम्पोर्टेंट है, ये ऊंचाई जो है 3 मीटर रखनी है इसकी, ठीक है। और ये काम क्या आएगा, ये काम आएगा एनीमोमीटर जो है वायु का वेग मापने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे जो उपकरण है वो हमने पढ़ लिए हैं, इसी के साथ ये चैप्टर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो आपको हमारी एग्रीकल्चर विजन एप जो है इंस्टॉल करनी होगी, वहां पर इसके सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में इसकी क्विज भी आपको वहां पर मिल जाएगी। आपको क्या करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपके पास में तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। धन्यवाद।